यहाँ पे आप इसको एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी टी विद लिमिट्स 1 to 6 प्लस 3/5। यहाँ पे क्योंकि हम कुछ भी पुट नहीं कर रहे हैं तो सेम लिमिट्स विल गो 0 to 1। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन वी आर हैविंग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड द लिमिट्स आर 0 to 1। तो अब यहाँ पे अगेन यू कैन सी कि ई रेज टू पावर वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर और यहाँ हमारे पास क्या है एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की फॉर्म में आता है तो अगेन वी विल डू कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। मुझे एक्स डी एक्स चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी। सेम वे में व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट्स चेंज कर रहे हैं एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। जब एक्स आपका 0 है तो टी विल आल्सो बी 0 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी आपने पुट किया है तो जब आप एक्स को 1 पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो लिमिट विल नॉट चेंज इन दिस केस, एक्स डी एक्स की जगह हमारा आ जाएगा हाफ बाहर ले लिया डी टी एंड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की जगह ई टू द पावर टी। अब इसका इंटेग्रल ई टू द पावर टी एंड देन लिमिट्स निकाल लेंगे आप, सो दिस यू विल कंप्लीट योर सेल्फ। अब क्योंकि डेफिनेट है तो लास्ट में प्लस सी आपने नहीं लगाना। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटेग्रल ऑफ 1 to 2 5x² दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। अब अगेन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है लिमिट्स आर 1 to 2 कि ऊपर और नीचे हमारे पास जो है पावर है दैट इज सेम। ऊपर और नीचे हमारे पास पावर सेम है तो इट मींस वी विल गो फॉर डिवीजन, डिवाइड करेंगे इसको एंड देन वी विल प्रोसीड। तो डिवाइड करोगे जब आप इसको 5x² को, यू आर टू डिवाइड विद x² प्लस 4x प्लस 3। x² है, 5x² चाहिए तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 5x² प्लस 20x प्लस 15, सो दिस विल गेट कैंसल्ड, द रिमाइंडर इज -20x -15, यानी कि दिस होल कैन बी रिटन एज 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। दिस कैन बी रिटन एज क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सो दिस लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2। अब इनको फिर से देखो, यहाँ पे 20x प्लस 15 या तो आप डायरेक्ट ले लो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था, अदरवाइज यू कैन डू कि इसका हमने मेथड क्या किया था, जब हमारे पास px प्लस q अपॉन ये फॉर्म होती है तो हम इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b पुट करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड। अदरवाइज यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि अगर मैं इसको देखूं तो मेरा यहाँ से जो डेरिवेटिव बनेगा दैट विल बी 2x प्लस 4। तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्योंकि 2x प्लस 4 बन रहा है तो इसको हम 2x प्लस 4 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2x प्लस 4 की फॉर्म में लिखने के लिए 2x अगर आपको चाहिए तो यू कैन राइट इट, यहाँ से आप 10 कॉमन ले लोगे तो ये हो गया आपका 2x प्लस दिस विल बी 15/10 दैट इज 3/2, और 3/2 की जगह मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 4 चाहिए, तो इट मींस इसमें मैं +5/2 एंड -5/2 कर दूंगी तो दिस विल गिव मी 4। या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 20 अपॉन दिस और फिर उसमें आप +-4 कर दो, जो भी कॉमन लेके 2x चाहिए तो 10 कॉमन लेके +-4 कर दो एंड देन यू कैन प्रोसीड। फिर जो नेगेटिव वाली कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म होंगी उनको आप इकट्ठे ले लो, तो वट एवर मैथड सीम्स कन्वीनियंट टू यू यू कैन गो फॉर दैट मैथड। अगर ये मुश्किल लगता है तो गो फॉर दैट मैथड जो हमने पहले किया था कि पुट दिस इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस बी, फिर आप इसकी रिप्लेसमेंट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है पार्ट इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन सिंपल है, इसमें डायरेक्ट आपके इंटेग्रल्स लग रहे हैं, तो दिस यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन यू आर हैविंग साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेके दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो आपका कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होते हैं, यहाँ पे एक्स बाई टू है तो उसका डबल एंगल विल बी एक्स, तो अगेन ये सिंपल इंटेग्रल आपका बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन, यू आर सिंपली टू पुट द वैल्यूज टू फाइंड आउट द डेफिनेट इंटेग्रल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19, 0 to 2। इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। 6x + 3 अपौन x² + 2, लिमिट 0 to 2 है। अब हमने देखो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास डिनोमिनेटर में है x² + 4, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव 2x लाने के लिए 3 हम बाहर ले लेंगे, तो दिस विल बी 0 to 2 2x + 1 अपॉन x² + 4। अब जो है इनको अलग अलग लिख लोगे आप, 0 to 2 2x अपॉन x² + 4, ये आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, प्लस 3 times 0 to 2 1 upon x² + 4 कैन बी रिटन एज 2 square। तो अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा 1 upon x² + a² dx का, यहाँ पे आप x² + 4 को t पुट करोगे तो ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है उसका, दैट विल बी dt, तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी जब आप x² + 4 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो t आपका 4 आ जाएगा, x को 2 पुट करोगे तो t आपका 8 आ जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी 4 to 8 और ये बन जाएगा आपका 1 upon t dt। इंटेग्रल आपको इसका पता है, ये आपको फॉर्मूला पता है 1 upon x² + a² दैट इज 1/8 tan इनवर्स x upon a दैट यू विल यूज, और उसके बाद लिमिट्स पुट कर दोगे 0 to 2। जब t पुट कर रहे हो लिमिट्स जरूर चेंज करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें आप जो आपकी फर्स्ट टर्म है लिमिट है इसकी आपकी 0 to 1, इसको आप अलग अलग लिख लोगे, 0 to 1 x(e^x) प्लस 0 to 1 साइन ऑफ पाई एक्स बाई फोर, साइन का डायरेक्ट इंटेग्रल मिल जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी लगा लोगे, x को आप फर्स्ट फंक्शन ले लोगे, e^x को सेकंड फंक्शन ले लोगे, और बाद में फिर लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देना 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 21 में डायरेक्ट फॉर्मूला है a² + x² एंड क्वेश्चन नंबर 22 आल्सो यू आर हैविंग द डायरेक्ट फॉर्मूला 1 upon a² + x², सो दिस यू विल डू योरसेल्फ। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 7.10, अगेन इसमें जो है इंटीग्रेशन आपकी बाय सब्स्टिट्यूशन है, so I will give you the hints and the questions you are to do yourself. Question number 1 we are having 0 to 1 x upon x² + 1 dx. Will you tell? हाँ जी, कैसे करना है? क्यों? नीचे क्या है? ओके, यस लक्ष्य। मैम डिफरेंशिएटिंग x² + 1 देन 2x + 0 dx = dz, एंड 1/2 डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग 1/2। ओके, हाँ यू कैन डू इन दैट वे आल्सो, कि पहले आप इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो दिस विल बी 1/2 इंटीग्रल 2x dx upon x² + 1, लिमिट्स हैं 0 to 1। अब आप x² + 1 को t पुट करोगे तो यू विल हैव 2x dx = dt, 2x dx आप रिप्लेस कर दोगे dt से, 1 upon t बन गया, और ये वाला हाफ आपका एज इट इज रहेगा, लिमिट्स 0 to 1 थी x के लिए, तो हमें यहाँ चेंज करनी पड़ेंगी,
व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, लिमिट्स चेंज करने के लिए सिंपली जो आपने जिस किसी चीज को टी पुट किया है वहां पे एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, तो एक्स की लिमिट चेंज हो रही है जीरो टू वन। तो जब एक्स आपका जीरो होगा तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, दिस विल बी जीरो प्लस वन, यानी कि टी आपका वन आ जाएगा जब एक्स जीरो था, एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन तो दिस विल बी वन स्क्वायर प्लस वन, दैट इज टी इज इक्वल टू टू। अब वन बाई टी डी टी इंटेग्रल इसका लॉग टी, तो हाफ ऑफ लॉग टी एंड लिमिट्स वन टू टू, वैल्यूज पुट कर दो तो लॉग टू माइनस लॉग वन, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, सो मेथड बिल्कुल वही है बेटे दैट यू वर यूजिंग इन द सिंपल इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जो यूज कर रहे थे। नेक्स्ट इज जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन फाइव। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीवन एल्स हु कैन टेल दिस क्वेश्चन, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। रूट साइन फाइव इंटू कॉस टू द पावर फाइव फाइव डी फाइव, यू कैन रेज योर हैंड्स इफ एनीवन इज विलिंग टू गेट गिव मी द आंसर, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। ओके देन यहाँ पे हमारे पास है साइन टू दी पावर साइन फाइव अंडर द रूट कॉस टू दी पावर फाइव फाइव डी फाइव। साइन का डेरिवेटिव कॉस होते हैं, हम क्या करेंगे साइन को पुट कर लेंगे टी, क्योंकि रूट के नीचे है तो इसका डायरेक्ट इंटेग्रल जो है वो मुश्किल होता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे मेरे पास कॉस की पावर फाइव है तो मुझे कॉस फाइव चाहिए, तो जीरो टू पाई बाई टू साइन फाइव, इसको मैं लिख लूंगी कॉस टू दी पावर फोर फाइव इंटू कॉस फाइव, ये ओवरऑल आपका कॉस टू दी पावर फाइव फाइव बन गया इंटू डी फाइव। अब कॉस फाइव डी फाइव हमारे पास आ गया डी टी, साइन फाइव को हमने पुट किया है टी, रह क्या गया कॉस टू दी पावर फोर फाइव, तो कॉस टू दी पावर फोर को हम कन्वर्ट कर लेंगे। दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर फाइव का स्क्वायर, दिस इज कॉस फाइव डी फाइव। इस तरह का अगेन हमने क्वेश्चन किया हुआ है, जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन फाइव, कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि मैंने साइन को टी पुट किया है तो मेरे पास उसकी वैल्यू है। अब रिप्लेसमेंट करनी है, कॉस फाइव डी फाइव को हम रिप्लेस कर देंगे डी टी से, यहाँ साइन फाइव इज टी, रूट साइन फाइव था तो रूट टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो ये लिमिट हमने जब रिप्लेस की है तो टी की वैल्यू में चेंज होना पड़ेगा इसको, तो साइन फाइव टी है यानी कि फाइव की वैल्यू जीरो टू पाई बाय टू चेंज हो रही है आपकी, तो जब फाइव आपका जीरो है तो साइन फाइव कितना आ जाएगा साइन जीरो, यानी कि टी क्या रहा आपका जीरो। जब आपका फाइव इक्वल टू पाई बाय टू है तो दिस इज साइन पाई बाय टू, यानी कि t इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी जीरो टू वन, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो लिमिट हो गई अभी हमारी यहाँ पे जीरो टू वन, रूट टी इंटू वन माइनस टी होल स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, देन उसको रूट टी से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इंटेग्रल बन जाएगा एंड देन यू विल प्रोसीड। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, सो दिस इज लिमिट जीरो टू वन साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सो यू कैन सी यहाँ पे साइन इनवर्स है, इट मीन्स अंदर जो है ब्रैकेट में हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि वो साइन ऑफ समथिंग बने, ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होके हमें इसका इंटेग्रल लेना इजी हो जाए। तो दिस इज जीरो टू वन, हम क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब मुझे पता है जब एक्स टेन थीटा होता है तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन साइन टू थीटा, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं विदाउट इंटेग्रल, अभी मैं ले रही हूँ इसको, दिस इज टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ
टू थीटा यानी कि टू थीटा। अब इसका इंटेग्रल के साथ अगर हम लेते हैं, हमने x को tan थीटा पुट किया तो dx क्या आ जाएगा आपका, secant square थीटा d थीटा। लिमिट्स चेंज करनी है हमने, जब x जीरो है x को जीरो पुट करोगे तो tan थीटा जीरो यानी कि थीटा जीरो, और जब x आपका वन है तो tan थीटा वन यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो लिमिट यहाँ चेंज हो गई जीरो टू पाई बाय फोर, और dx जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, secant square थीटा d थीटा से। दोबारा देख लो इसको, हमने क्या किया x को इस तरीके से पुट करना है कि जो ये ब्रैकेट बन रही है मेरी, ये साइन ऑफ समथिंग बने। तो मुझे फॉर्मूला पता है टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज साइन टू थीटा। तो मैंने x को tan थीटा पुट किया, जब हमने x को tan थीटा पुट किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड से dx मिला हमें secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब लिमिट्स भी चेंज करनी है अकॉर्डिंगली, x के लिए लिमिट्स थी 0 टू 1, तो हमें थीटा के लिए निकालनी है। तो x को हमने 0 पुट किया तो tan थीटा 0 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, tan 0 पे जो है आपकी वैल्यू 0 होती है। जब x को 1 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा आपका 1 किस पे होता है पाई बाय 4 पे, तो यहाँ लिमिट्स चेंज हो गई 0 टू पाई बाय 4। यहाँ dx चेंज कर दिया हमने secant square theta d theta से। अब ये चीज रह गई हमारे पास 0 टू पाई बाय 4 sin inverse sin 2 theta into secant square theta d theta। अब ये चीज बन गई 0 टू पाई बाय 4 sin, ये हट गया आपका 2 theta secant square theta d theta। तो 2 बाहर ले लिया, 0 टू पाई बाय 4 theta secant square theta d theta। अब ये u इंटू वी बन रहा है आपका, तो जीरो थीटा जो है उसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लोगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा को सेकेंड फंक्शन ले लोगे, एंड देन बाय पार्ट्स आप इसको इंटीग्रेट करोगे। सो दिस अगेन यू विल कंप्लीट योर सेल्फ, थीटा यू विल टेक एज द फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड स्क्वायर थीटा यू विल टेक एज द सेकेंड फंक्शन, एंड देन यू विल यूज u इंटू वी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। वी आर हैविंग x 0 टू 2 लिमिट्स है हमारी, x रूट x प्लस 2। इसमें हमारी क्वाड्रेटिक वाली इस तरह की जो है दैट वन आर डिलीटेड, सिंपल वन हम कर रहे हैं। सो ये हमारा बन गया। अब देखो मेरे पास रूट के नीचे x प्लस 2 है और यहाँ पे क्या है x है, तो या तो आप सिंपली इस तरीके से कर लो कि x प्लस 2 को t पुट कर लो तो ये रूट t आपका बन जाएगा एंड देन इधर कर लो इसको, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं x प्लस 2 को t पुट कर रही हूँ तो व्हाट आई विल गेट, dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 2। तो ये आपका बन जाएगा t माइनस 2 आपका बन गया x, और x प्लस 2 को हमने रिप्लेस किया है t से, एंड dx क्या आ गया आपका dt। अब लिमिट्स चेंज करनी है हमने, x 0 था जब तो t आपका 2 आ जाएगा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो t आपका 4 आ जाएगा। तो लिमिट चेंज हो गई 2 टू 4। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, दिस विल बी t टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 2 t टू द पावर 1 बाय 2 dt। अब इसको सिंपलीफाई कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x है, cos x का जो आपका है डेरिवेटिव वो sin x होता है, तो cos x को आप क्या करोगे, t पुट कर लोगे तो ऊपर आपका उसका डेरिवेटिव बन रहा है, देन वी विल सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 0 टू 2 ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर हैविंग 0 टू 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर। x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर। अब x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक हमें गिवन है यहाँ पे। तो 0 टू 2 dx अपॉन 4 मैंने आगे ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ क्या रह गया मेरे पास, x स्क्वायर माइनस x। अब इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमने करना है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है हमारे पास, तो एक्स का जो है कॉफिशियंट डिवाइड दैट बाय टू, उसका स्क्वायर प्लस करो और माइनस कर दो। सो प्लस वन बाय फोर एंड माइनस वन बाय फोर, सो दिस इज जीरो टू टू वन अपॉन फोर माइनस, ये प्लस के साथ हमने ले लेना है, तो दिस विल बी एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर, और ये माइनस वन बाय फोर जब हम इसमें से बाहर लेंगे तो दिस विल बी प्लस वन बाय फोर, प्लस वन बाय फोर आप इसके साथ ले लो, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपने, दैट विल बी सेवनटीन बाय फोर, तो सेवनटीन बाय फोर माइनस एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सेवनटीन बाय फोर जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ रूट सेवनटीन बाय टू, तो ये हो गया आपका जीरो टू टू वन अपॉन रूट सेवनटीन बाय टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर। अब इस पूरे को एक्स माना, इसको ए माना, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज वन बाय टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन, एक मिनट, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे एंड देन यू विल प्रोसीड। Now moving on to the next question. Next में again same method आप follow करोगे, that is x square plus 2x plus 5. So integral of, अच्छा इसको simplify करने के बाद last में limits जरूर put करनी है, ये ध्यान रखिएगा। Question number 7 भी 6 की तरह ही है। dx upon x square plus 2x plus 5, 5 को मैं स्प्लिट कर लूंगी, या आप जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है इन दैट वे आल्सो, x का कोफिशिएंट आपका क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करो तो दैट इज 1, यानी कि 1 का स्क्वायर आप प्लस और माइनस कर दो, 1 का स्क्वायर जब आप प्लस करोगे तो ये आ गया आपके पास, और 1 आप माइनस करोगे तो 5 माइनस 1 आपके पास क्या रह जाएगा, दैट विल बी 4। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको पता लग जाता है 5 को आप स्प्लिट करके लिख लो 1 प्लस 4। अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर है आपका dx 2 का, और लिमिट इसकी क्या चल रही है माइनस 1 2 प्लस 1। अब सेम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला लगाओगे, देन वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। अप टू दिस क्वेश्चन इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट है अगर किसी को तो यू कैन आस्क फॉर द डाउट। Now moving on to the next question number 8. One upon x minus one upon 2x square. Into e to the power 2x. dx and the limits are 1 to 2. अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है e to the power 2x है, तो हम क्या करेंगे 2x को t put कर लेंगे, तो जब हम 2x को t put करेंगे तो we will be having 2 dx is equal to dt, और यहाँ से जो मेरे पास x की value आएगी that will be t by 2, क्योंकि यहाँ मेरा x है, x 1 by x की फॉर्म में सब ये चेंज हो जाएंगे, x के लिए लिमिट क्या थी 1 to 2, तो जब आप x को 1 पुट करोगे तो 2x 2 into 1 t की वैल्यू 2 आ जाएगी, जब आप x को 2 पुट करोगे तो 2 into 2 t की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। दोबारा देख लो इसको 1 upon x minus 1 upon 2x square e to the power 2x into dx, यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट देखूं तो ये मेरी डायरेक्ट फॉर्म जो है नहीं बन रही e to the power x into f of x plus f dash x, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ उस फॉर्म में,
उस फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हमने क्या किया, 2x को पुट किया t e टू द पावर में, क्योंकि हमारे पास 2x था, 2x को आपने t पुट किया तो 2 dx इज इक्वल टू डी टी, यानी कि dx आ गया आपके पास हाफ ऑफ डी टी। उसके बाद x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x की फॉर्म थी, तो x आ गया यहाँ से t/2। लिमिट्स चेंज करनी है हम क्योंकि पुट कर रहे हैं, लिमिट्स हैं 1 to 2, तो लिमिट्स चेंज करने के लिए हमने क्या किया, जब x आपका 1 है तो t 2 आ जाएगा, जब x 2 है तो 2 2 4, t आपका 4 आ जाएगा, यानी कि लिमिट्स चेंज हो गई, अब हमारी 2 to 4 1/x की जगह उल्टा हो जाएगा इसका 2/t माइनस 1/2 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर की जगह 2/t का स्क्वायर यानी कि 4/t² इंटू ई टू दावर टी डी टी। डी टी क्या था, डी एक्स क्या है, हाफ ऑफ डी टी, तो हाफ ये हमने बाहर ले लिया। अब अगेन यहाँ आपका जो है 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो दिस विल बी हाफ ऑफ 2/4 2/t, यहाँ से ये कैंसिल कर दो, सो दिस इज 2 हमने बाहर ले लिया, सो दिस इज 1/t माइनस ये वाला 2 भी आपका बाहर चला गया, 1/t² इंटू ई टू द पावर टी डी टी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 1/t माइनस 1/t² इंटू ई टू द पावर टी डी टी। अब ई टू द पावर टी डी टी जब आपने लिया यहाँ पे, तो e टू द पावर टी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली आपकी फॉर्म बन रही है, तो ये आपको फॉर्मूला पता है, e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी लेते हैं, वो नहीं लेना क्योंकि हमें लिमिट्स गिवन है, सो दिस विल बिकम e टू द पावर टी 1/t, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ e टू द पावर t/t, और लिमिट्स क्या है 2 to 4। अब यहाँ पे पुट करोगे तो दिस विल बी ई टू द पावर 4/4 माइनस ई स्क्वायर बाय 2, सिंप्लीफाई कर लो या अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर अप टू दैट पॉइंट आल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यू फॉर्म में है आपका, इसमें आपको क्या गिवन है, एक्स माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx, हमें इसका जो वैल्यू है वो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस आर 6, 0, 3 एंड 4। यहाँ पे जो है हमने लिमिट्स हमें क्या गिवन है, 1/3 to 1, दो तरीके हैं, या तो आप एक्स को साइन थीटा पुट करके कर लो, अदरवाइज आप दूसरे मेथड में क्या कर सकते हो, जो आपका ऊपर गिवन है आपको उसमें से एक्स क्यूब जो है वो आप बाहर ले लो, क्योंकि नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4 है, तो उसका डेरिवेटिव आपका एक्स क्यूब की फॉर्म में आएगा, तो जो हमें स्टेटमेंट गिवन है दैट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx। एक्स टू दी पावर 4 मेरे पास डिनोमिनेटर में है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी वो एक्स क्यूब की फॉर्म में होगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक्स क्यूब बाहर ले लेंगे, लिमिट्स 1/3 to 1, यहाँ से एक्स क्यूब जब मैंने बाहर लिया तो एक्स में से एक्स क्यूब बाहर लेने पे आई विल बी हैविंग दिस एज 1/x², यहाँ पे एक्स क्यूब क्योंकि पावर 1/3 में से बाहर आ रहा है, तो यू विल राइट इट डाउन इन दिस वे, तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपॉन 1/3 1/x² माइनस 1 अपॉन में एक्स टू द पावर 4 dx। अब दोबारा यहाँ आगे देखो 1/3 to 1, ये पावर्स कैंसिल आउट हो गई, ये एक्स इसको कैंसिल आउट करके विल गिव यू एक्स क्यूब, तो ये आ गया आपका 1/x² माइनस 1/x³ dx। अब हम क्या करेंगे, 1/x² का जो है अगर मैं देखूं तो दैट इज डेरिवेटिव देखूं तो वो सम कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब की फॉर्म में आएगा, तो 1/x² माइनस 1 को हम क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, तो पुट 1/x² माइनस 1 इक्वल टू t, आप इसका इंटेग्रल लोगे तो -2/x³ dx इज इक्वल टू dt, तो 1/x³ dx इज इक्वल टू -1/2 dt।
तो वन अपॉन एक्स क्यूब डीएक्स जो है दिस विल बी रिप्लेस बाय माइनस हाफ ऑफ, माइनस हाफ मैंने बाहर ले लिया डी टी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह हमने क्या ले लिया टी, तो ये सिंपल बन गया टी डी टी। अब रिप्लेसमेंट्स करनी है, एक्स जब वन बाय थ्री है तो एक्स को यहाँ पे आप वन बाय थ्री पुट करोगे दैट विल बी नाइन माइनस वन, तो टी आपका एट आ जाएगा, और जब एक्स आपका वन है तो टी विल बी जीरो, तो लिमिट आपकी इस केस में बन जाएगी 8 to 0। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो लिमिट 8 to 0 है तो आप उसी वे में लेके चलोगे इसको, ये आपका बन जाएगा टी स्क्वायर बाय टू इंटेग्रल, तो टी को पहले जीरो पुट करोगे देन, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है वो आपका जीरो ही बन जाएगा, टी को उसके बाद आप एट पुट करोगे, माइनस हो रहा होगा उसमें तो ये माइनस हाफ मल्टीप्लाई होके विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। सो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन ए जो है वो आपकी होल्ड करेगी और आंसर विल बी 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट अगेन यू आर टू डू योरसेल्फ, यू आर टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड दिस वन एज वेल एज 7.9 आल्सो, एंड इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रल, सो बी देयर इन द नेक्स्ट पीरियड आल्सो, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट बच्चे, लेट मी टेक द अटेंडेंस, just wait for one more minute. You can leave now. And ninthly, you are to rejoin. Thank you. Have a nice day.